छुपी हुई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने 3 दिवसीय सुरताल महोत्सव 2022 का हुआ आयोजन। बेस्ट सिंगर अवार्ड के लिए शुरू हुई सुरों की जंग। पहले दिन बेस्ट डांसर अवार्ड की हुई थी शुरुआत। सुरताल महोत्सव का ये 30वां वर्ष है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय सुरताल महोत्सव शुक्रवार से शुरू हुआ, जहां पहले दिन बेस्ट डांसर अवार्ड हुआ और आज बेस्ट सिंगर अवार्ड का सेमीफाइनल चल रहा है, जिसके बाद शाम को फाइनल होगा, जिसमें प्रदेश के कई शहरों से आए प्रतिभागियों ने अपनी सुरीली आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ नारी शक्ति ने माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया। सबसे पहले बेस्ट सिंगर अवार्ड का सेमीफाइनल राउंड हुआ, जिसमें चयनित प्रतिभागियों के बीच फाइनल राउंड में विजेता बनने के लिए जमकर मुकाबला हुआ। छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच देने के लिए मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा द्वारा आयोजित सुरताल महोत्सव का ये 30वां वर्ष है। स्वर्गीय मुकेश दुबे द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम को हर साल किया जाता है। शुक्रवार को कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बतौर अतिथि समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी ममता नरेंद्र सिंह, पुष्पा दुबे, वीणा दुबे, पद्मा शुक्ला, अनुराधा श्रीवास्तव, डॉक्टर सरोज सोनी, भारती शर्मा, दर्शना वाकड़े, अर्चना श्रीवास्तव मंचासीन रही। वहीं शाम को फाइनल राउंड में बतौर अतिथि कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, जिला पंचायत सदस्य मनीष दाहिया, पार्षद मनीष नामदेव, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र, समाज सेवी अभिराज, अभिषेक सिंह परिहार ने प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रवीर दुबे, डॉक्टर नीलमा भारद्वाज, अमित तिवारी एवं चित्रा श्रीवास्तव ने किया। सुरताल महोत्सव के दूसरे दिन यानी आज बेस्ट सिंगर अवार्ड हुआ। सुबह 10 बजे से सेमीफाइनल राउंड एवं शाम 4 बजे फाइनल राउंड संपन्न हुआ। अंतिम दिन ओल्ड इज गोल्ड नाइट के साथ ही महान फनकार स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरणांजलि दी जाएगी। इस कार्यक्रम में रियलिटी शो फेम सौम्या शर्मा की विशेष प्रस्तुति होगी। प्रस्तुत है प्रवीण दुबे से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या कार्यक्रम चल रहा है और कब से कब तक इसका चल रहा है, कैसे शुभारंभ इसका चलूगा? सुरताल महोत्सव लगातार 30 सालों से रीवा के बिंद की धरती में होता चला आ रहा है। इस बार ये 30वां साल है और 29, 30, 31 जुलाई 2022 को ये संपन्न हो रहा है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। कल हमने 29 तारीख को सुबह 10 बजे बेस्ट सिंगर अवार्ड किया, बेस्ट डांसर अवार्ड, और उसका शाम को फाइनल हुआ बेस्ट डांसर का। आज सुबह से हमारे बेस्ट सिंगर अवार्ड चालू हो चुका है, जिसका सेमीफाइनल राउंड अभी चालू है और शाम को 4-5 बजे से इसका फाइनल राउंड चालू होगा। और 31 जुलाई को जो 2022 है उसमें हम पुरस्कार वितरण करेंगे। साथ में हम रीवा के 5 हस्तियों को हमेशा सम्मानित करते हैं, तो उनको सम्मानित करेंगे। और सम्मानित करने के साथ साथ हमारी हमेशा ये सोच रही है कि किसी सेलिब्रिटी को हम अपने हिसाब से बुला करके इस मंच में ला सकें। तो इस बार सौम्या शर्मा जी सोनी टीवी से आई हैं, दिल है हिंदुस्तानी फिल्म में वो प्रथम स्थान थी, वो सारे गामा पा में हिस्सा ली है, तो कल उनकी आवाज़ का जादू इस मंच में बिखरेगा सुरताल महोत्सव में। साथ में इंटरनेशनल सिंगर दीपक अंश जी भी रहेंगे,
और वॉइस ऑफ एमपी विनर अरविंद भदौरिया जी, अमित तिवारी जी, उनके भी गीतों को सुनने का यहाँ मौका मिलेगा।